इस कहानी की शुरुआत में एडमंड और लूसी को दिखाते हैं जो अपने घर से दूर अपनी आंट के घर पर रह रहे हैं। यहाँ उन लोगों का एक कजन भी होता है जिसका नाम ऑस्टर्स होता है। एक दिन की बात है जब एडमंड और लूसी एक पेंटिंग को ध्यान से देख रहे होते हैं, तभी ऑस्टर्स अंदर आ जाता है। कुछ बातों को लेकर एडमंड और ऑस्टर्स के बीच में झगड़ा हो जाता है, लेकिन उसी बीच वो पेंटिंग जिंदा होने लगते हैं और उस पेंटिंग से पानी बाहर आने लगते हैं और पूरा कमरा पानी से भर जाता है। और देखते ही देखते वो लोग एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। इस दुनिया का नाम नार्निया होता है। एडमंड और लूसी इस दुनिया में पहले भी आए थे, इसलिए वो लोग इस दुनिया को भली भांति जानते हैं, लेकिन ऑस्टर्स को ये सब बिल्कुल अजीब लग रहा होता है। इसी बीच हम कैस्पियन को देखते हैं जो नार्निया का राजा होता है। कैस्पियन इन सबको अपने जहाज में ले आते हैं। कैस्पियन एडमंड और लूसी को पहले से जानते थे। वो एडमंड और लूसी को कुछ सामान देते हैं और वो बोलते हैं कि वो अपने पिता के साथ वफादार दोस्तों को ढूंढने के लिए निकले हैं जो अभी खो गए हैं। कैस्पियन को लगता है कि वो लोग अभी लोन आइलैंड में है। उसके बाद वो जहाज लोन आइलैंड की तरफ आगे बढ़ती है। जब वो लोग उस आइलैंड के करीब पहुंच जाते हैं, वो लोग जहाज उधर ही रखकर नाव में बैठकर आइलैंड तक जाते हैं। वो आइलैंड बहुत ही सुनसान होता है। अब हम देखते हैं कि कैस्पियन, लूसी और एडमंड एक हॉल के अंदर जाते हैं जहां उन लोगों पर स्लेव ट्रेडर हमला कर देता है। उनमें से एक स्लेव ट्रेडर ऑस्टर्स के गले पर चाकू रखकर कैस्पियन, एडमंड और लूसी को तलवार नीचे रखने के लिए मजबूर कर देता है और वो लोग स्लेव ट्रेडर्स की बंदी बन जाते हैं। कैस्पियन और एडमंड को जहां बंदी बनाकर रखते हैं, वहां उन लोगों की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होता है। जब कैस्पियन उस आदमी को ध्यान से देखते हैं तो उसको पता चल जाता है कि वह तो उसके पिता के साथ वफादार दोस्तों में से एक है। उसी बीच बाहर से आवाज आने लगते हैं। जब वो लोग विंडो से बाहर देखते हैं, उन लोगों को दिखाई देता है कि कुछ लोगों को एक गाड़ी में बिठाया जा रहा है। उसमें से एक महिला को जब गाड़ी में बिठा कर ले जा रहा होता है तो उनकी पति और बेटी भी उनका पीछा करती है, लेकिन उन लोगों को उधर ही रोक दिया जाता है। उसके बाद गाड़ी में बैठे लोगों को एक नाव में बिठाकर समंदर के बीच लेकर जाते हैं और देखते ही देखते वो नाव समंदर के बीच में गायब हो जाती है। यह सब देखकर कैस्पियन अपने पिता के दोस्त को पूछते हैं, यह सब क्या हो रहा है? बूढ़े आदमी बोलते हैं कि वो लोग समंदर में बलि चढ़ गए हैं, और वो बोलते हैं कि जो भी लोग स्लेव ट्रेडर्स की नीलामी में नहीं बिकते हैं, उस लोगों को समंदर में बलि चढ़ा दिया जाता है। इतने में ही यहाँ पे कैस्पियन के बाकी साथी आ जाते हैं और इन स्लेव ट्रेडर्स पर हमला कर देते हैं। वो लोग स्लेव ट्रेडर्स को हरा देते हैं और उनकी द्वारा जितने भी लोगों को बंदी बनाए गए थे सबको मुक्त कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैस्पियन के सामने वह आदमी आता है जिसके वाइफ को समंदर में सैक्रिफाइस कर दिया गया था। वह बोलता है कि महाराज, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, मैं अपने बीवी को ढूंढना चाहता हूँ। कैस्पियन उसको आने के लिए इजाजत दे देता है। उसके बाद वो बूढ़े आदमी कैस्पियन को एक तलवार देता है और बोलता है कि यह तलवार आपकी पिता ने मुझे दी थी, ऐसे 7 तलवार है, आप इस तलवार को स्वीकार कीजिए, यह आपके रक्षा करेगी। कैस्पियन उनसे तलवार ले लेते हैं और बोलते हैं कि हम आपकी खोए हुई बाकी साथियों को जल्द ढूंढेंगे। उसके बाद कैस्पियन उस तलवार को एडमंड को दे देते हैं। अब उसके बाद कैस्पियन अपने पिता के खोए हुए बाकी दोस्तों को और समंदर में खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर जहाज जब एक आइलैंड के पास पहुँचता है तो कैस्पियन बोलता है कि हम आज रात को इसी आइलैंड पर ठहरेंगे। रात को जब सब लोग सोए हुए होते हैं, कुछ इनविजिबल लोग आते हैं और लूसी को उधर से उठाकर ले जाते हैं। वो लोग लूसी को दूर ले जाकर बोलते हैं कि हम बहुत ही बड़े और खतरनाक जानवर हैं, अगर तुमने हमने जो बोला वह नहीं किया तो तुम्हारे दोस्तों को खत्म कर देंगे। यह सुनकर लूसी बोलती है, मुझे क्या करना होगा? तब वो इनविजिबल लोग बोलते हैं कि तुम इस दरवाजे से अंदर जाओ, उधर एक किताब रखा होगा, उसमें अदृश्य को दृश्य करने का मंत्र होगा, तुम्हें उस मंत्र को एक बार पढ़ना होगा जिससे कि हम लोग दिखने लगेंगे। अब जब यहाँ पर सवेरा होता है तो किसी को लूसी उधर दिखाई नहीं देता है। वो सब लोग लूसी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही इनविजिबल लोग उन लोगों पर हमला कर देता है। अब वहाँ पर लूसी को उस घर में वो जादुई किताब मिल जाती है। वो किताब खोलकर जब अदृश्य को दृश्य करने की मंत्र पढ़ती है, तब उस घर में जो जादूगर रहता था वो दिखाई देने लगे, और उसके साथ साथ वो लोग जो लूसी को उठा के ले आए थे, जो अभी कैस्पियन और उसके साथी के साथ लड़ रहे होते हैं, वो भी दिखाई देने लगते हैं। यह लोग जो अपने आप को बहुत बड़े और खतरनाक जानवर बोल रहे थे, वो तो असल में बौने होते हैं। अब यहाँ पर लूसी और वो जादूगर उस घर से बाहर आता है। लूसी कैस्पियन और एडमंड को जादूगर से मिलवाती है। वो जादूगर उन लोगों से बोलते हैं कि मैं उन बौने लोगों को समंदर में बलि चढ़ाने से बचाने के लिए जादू से उन लोगों को अदृश्य किया था।
यह सब सुनकर कैस्पियन उस जादूगर से पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कैसे इतने लोग समंदर के बीच में गायब हो रहे हैं? जादूगर उन लोगों को एक जादुई मैप दिखाकर बोलता है कि ये है अंधेर टापू, तुम लोगों के मुसीबतों का जड़। अंधेर टापू एक ऐसी जगह है जहां बुराई बसती है, जो अपनी बुराई और अंधेरे की जादू से ये सब कर रही है। अगर तुम्हें इस अंधेरी जादू को हराना है तो एडमंड के पास जो तलवार है ऐसे ही और 6 तलवार है। इन सातों तलवार को रामंडो आइलैंड में ले जाकर असलेन की बेदी पे अर्पण करना होगा, तभी इस अंधेरी जादू का अंत होगा। रामंडो आइलैंड तक पहुंचने के लिए तुम्हें नीले तारे का पीछा करना होगा। तुम लोग बस एक बात ध्यान रखना, अंधेरे की माया जाल तुम लोगों के मन में कुछ भी ख्याल ला सकते हैं। तुम लोगों के मन में बुराई को कभी हावी मत होने देना। अब उसके बाद वो लोग नीले तारे को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जिससे कि वो लोग रामंडो आइलैंड तक पहुंच सके। वो लोग आगे बढ़ते बढ़ते एक टापू में पहुंचते हैं। कैस्पियन को लगता है कि उनकी पिता की एक दोस्त इस टापू में आए होंगे, जिनसे उन्हें दूसरी तलवार मिल सकती है। अब यहाँ पर कैस्पियन, एडमंड और लूसी एक गुफा के अंदर पहुंचते हैं। वहाँ उन लोगों को पानी का एक छोटा सा पॉन्ड दिखाई देता है। उस पॉन्ड के अंदर एक आदमी होता है। कैस्पियन उस आदमी को देखते ही पहचान जाता है कि ये आदमी उसकी पिता की 7 वफादार दोस्तों में से एक है। उस पॉन्ड में जो भी गिर जाता है वो सोने में बदल जाते हैं, इसलिए वो आदमी भी सोने में बदल चुके होते हैं। उन लोगों को उधर से 7 में से दूसरी जादुई तलवार मिलती है। वो लोग तलवार लेकर उधर से चले जाते हैं। अब यहाँ पर ऑस्टर्स को दिखाते हैं जो अकेले टापू में घूम रहे होते हैं। वो घूमते घूमते ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत सारा सोना होता है। ऑस्टर्स जब लालच में आकर उधर से सोना उठाने लगते हैं, तब उधर कुछ ऐसा होता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब यहाँ पर बाकी सब लोग एक जगह पर आ चुके होते हैं, लेकिन ऑस्टर्स किसी को दिखाई नहीं दे रहा होता है। इसलिए एडमंड और कैस्पियन उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। वो लोग ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ बहुत सारा सोना होता है। उन लोगों को वहां पर ऑस्टर्स का जूता और जला हुआ कपड़ा मिलता है। कैस्पियन को वहां पर एक कंकाल भी दिखता है, जिसको देखकर उसको पता चलता है कि वह उसके पिता के 7 वफादार दोस्तों में से एक है। एडमंड और कैस्पियन को वहां से तीसरा जादुई तलवार मिल जाते हैं। अब यहां पर जब बाकी लोग जहाज पर सामान वगैरह ठीक कर रहे होते हैं, तभी एक ड्रैगन आके उस जहाज के ऊपर बैठ जाते हैं। यह देखते ही जहाज के लोग उस ड्रैगन पर हमला कर देते हैं, जिससे कि वो ड्रैगन उधर से भाग जाता है। उसके बाद वो ड्रैगन एडमंड के पास जाते हैं और उसको उठा के ऊपर लेकर जाते हैं। वो ड्रैगन एडमंड को ऊपर ले जाकर आग से लिखी हुई एक सेंटेंस दिखाती है, जिसमें लिखा था आई एम ऑस्टर्स, यानी कि मैं ऑस्टर्स हूँ। उसके बाद वो ड्रैगन एडमंड को नीचे ले आते हैं। वहां पर बाकी सब लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। अब यहाँ पर यह सच सबको पता चल चुका होता है कि यह ड्रैगन असल में ऑस्टर्स ही है, जो सोने के लालच में आने के कारण ड्रैगन में बदल चुके होते हैं। वहां पर किसी को भी ऑस्टर्स को फिर से इंसान में बदलने की उपाय नहीं पता होता है। रात होने का भी समय हो रहा होता है, इसलिए ये सब लोग इस आइलैंड में ही रात बिताते हैं। अब यहाँ पर जब सुबह होता है, उन लोगों को वो नीला तारा दिखाई देता है, जिसका पीछा करके वो लोग रामंडो आइलैंड तक पहुंच सकेंगे। वो लोग जल्दी से जहाज में आ जाते हैं और उस नीले तारे का पीछा करने लगते हैं। लेकिन हवा नहीं चलने के कारण जहाज को आगे ले जाने में बहुत कष्ट हो रहा होता है। यह सब देखकर ऑस्टर्स, जो ड्रैगन में बदल चुका था, अपने पूंछ से जहाज को जोर से खींच के रामंडो आइलैंड तक लेकर जाते हैं। अब जब वो लोग रामंडो आइलैंड के अंदर जाते हैं, तो देखते हैं कि उधर एक बड़ा सा टेबल रखा हुआ है, जिसमें बहुत सारा खाना होता है। जब वो लोग वहां पर रोशनी करते हैं, तो कैस्पियन देखते हैं कि उसके पिता के 7 वफादार दोस्तों में से 3 दोस्त यहां पर भी है। ध्यान से देखने पर उन लोगों को पता चलता है कि असल में ये तीनों लोग जिंदा है, लेकिन अंधेरी जादू के कारण वो लोग होश में नहीं है। अब कैस्पियन को पिता के इन 3 वफादार दोस्तों के पास से भी 3 और जादुई तलवार मिलती है। अब इन लोगों के पास 7 में से 6 जादुई तलवार होते हैं। अब यहाँ पे जब वो लोग उन लोगों के पास जो 6 जादुई तलवार होते हैं, उन्हें असलान के बेदी पर रखते हैं, तब वो नीला तारा, जिसका पीछा करके वो लोग इस आइलैंड तक पहुंचे हैं, वो नीचे आती है और देखते ही देखते एक लड़की का रूप ले लेती है। और वो बोलती है कि मैं रामंडो की बेटी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। उसके बाद वो लड़की उन लोगों को अंधेरी टापू दिखाती है और बोलती है, अगर तुम्हें इस अंधेरी जादू को खत्म करना है तो 7 जादुई तलवार को असलान के बेदी पर रखना होगा। तुम्हें 6 तलवार तो मिल चुका है, आखिरी तलवार उस अंधेरी टापू के अंदर है। और बोलती है, उसके अंदर जाने के लिए तुम लोगों को बहुत हिम्मत चाहिए होगी। यह बोलकर वो लड़की फिर से तारा बन जाती है और उधर से चली जाती है। अब यहाँ पर सभी लोग आखिरी तलवार ढूंढने के लिए अंधेरी टापू की ओर निकल पड़ते हैं।
जैसे जैसे यह लोग अंधेरी टापू की ओर आगे बढ़ते हैं, अंधेरी टापू की जादू इन लोगों के मन को बेकाबू करने लगते हैं। इसी बीच उन लोगों को किसी इंसान की आवाज सुनाई देता है। जब वो लोग रोशनी करते हैं तो कैस्पियन को पता चलता है कि यह उनके पिता के साथ भी दोस्त है और उसके पास वह जादुई तलवार भी होता है जिनको ये लोग ढूंढ रहा होता है। ऑस्टर्स जल्दी से उस आदमी को पकड़कर जहाज में लेकर आते हैं। वो बूढ़े आदमी कैस्पियन को बोलता है कि हमें जल्दी इधर से निकलना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो सभी को यह भी बोलते हैं कि अपने दिमाग पर किसी भी बुरी चीज को हावी मत होने दो। लेकिन अभी देर हो चुकी थी क्योंकि ये बात बोलने से पहले ही एडमंड की डर उस पे हावी हो चुका होता है और वो डर था पानी में रहने वाले एक ड्रैगन जैसे सांप का। अब वो डर बाहर निकल आया था। वो ड्रैगन जैसे सांप पानी से बाहर आते हैं और उन लोगों पर हमला करने लगते हैं। असल में इस अंधेरी टापू में इंसान को डर जिस चीज से होती है वही उनके सामने सच बनके आ जाती है। अब यहाँ पर ऑस्टर्स उस मॉन्स्टर की मुंह पर आग लगा देता है जिससे कि वो मॉन्स्टर पानी में चला जाता है। लेकिन वो बूढ़े आदमी ऑस्टर्स को भी दुश्मन समझते हैं और जादुई तलवार से उस पे हमला करता है। घायल ऑस्टर्स उधर से उड़कर चला जाता है और दूर जाकर गिर पड़ता है। अब वहां पर वाटर मॉन्स्टर फिर से उन लोगों पर हमला कर देते हैं। यह लोग उस मॉन्स्टर को खत्म करने की कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे होते हैं। अब हम असलान को देखते हैं जो इस दुनिया की राजा है। वो ऑस्टर्स के पास आते हैं और अपनी शक्ति से उसको ड्रैगन से फिर से इंसान बना देता है। ऑस्टर्स का जब आंख खोलता है वो सात बी जादुई तलवार लेकर असलान की बेदी की तरफ भागता है। जब वो सात बी और आखिरी जादुई तलवार असलान की बेदी पर अर्पण करता है अंधेरी टापू की जादू खत्म हो जाती है। अंधेरी जादू खत्म होने के कारण एडमंड उस मॉन्स्टर को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं। अब वहां पर जितने भी इंसान अंधेरी टापू की जादू की वजह से गायब हो गए थे जादू खत्म होने के कारण सब लोग फिर से बाहर आने लगते हैं। अब ऑस्टर्स भी इन लोगों के पास वापस आ जाता है। सबको यह देखकर बहुत खुशी होता है कि ऑस्टर्स ड्रैगन से फिर से इंसान बन गया है। अब यहाँ पे सब लोग असलान के पास जाते हैं। हमें यहाँ पे पता चलता है कि असलान नहीं लूसी एडमंड और ऑस्टर्स को नानिया में लेके आए थे ताकि वो लोग कैस्पियन को अंधेरी टापू की जादू को खत्म करने में मदद कर सके। अब जब यहाँ पे सारा काम खत्म हो चुका होता है एडमंड और लूसी असलान से घर वापस जाने की बात करता है। असलान अपनी शक्ति से उन लोगों को घर वापस जाने के लिए एक जादुई रास्ता बना देता है। अब जाने से पहले एडमंड लूसी और ऑस्टर्स कैस्पियन और असलान से मिलते हैं और थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं। आखिर में वो लोग असलान और कैस्पियन को अलविदा बोलकर उस जादुई रास्ते से घर वापस चले जाते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। ऐसी और एक्साइटिंग मूवीज के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्नैपी मूवीज़।